गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, होप करता हूँ कि आप सब खुश हो गए। तो सोचो और अभी शाम के 5:30 या 5:30 का ही समय हो रहा था और मैं स्कूल से आ गया था। आने के बाद मैंने खाना पीना खा लिया है और अभी मैं था सब्जी लेने के लिए। मैंने लिए हैं 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 मेथी की जुट्टी और 10 रुपए की हरी मिर्ची। और मेरे साथ आया था लक्ष्य और ये क्या नाम था तेरा, हाँ गर्वित। इसको मैं गोरू गोरू कहता हूँ ना घर पे, तो इसका असली नाम भूल गया मैं। गर्वित और लक्ष्य के साथ आया था। तो अभी सब्जी तो ले लिया और अभी चलते हैं वापस अपने घर पे। और घर पे आने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने घेर में, घेर में जो पौधे लगे हुए हैं ना उनमें पानी लेके आना। और पीछे देखो कुत्ते कितना ज्यादा शोर कर रहे हैं ना। और अभी घेर में आ गए हैं, देखो ये घेर। और इसमें अभी जो पेड़ पौधे हैं ना, मम्मी रखो उनके लिए पानी पी ले आई है, तो अभी पानी देते हैं। 1-2 ही पेड़ है अमरूद के, तो चलो आपको दिखाता हूँ क्या मम्मी। हाँ वे अपने आप ही हो गए, हमने बोए नहीं थे वो। देखो एक तो यही है, किस चीज की है मम्मी, पेटे की। ये पेटे की है, ये है पेटे की बेल। देखा दोस्तों कितना डाल दिया इसमें तो पानी। और देखा दोस्तों यहाँ पे ना कितने सारे कुत्ते हैं हमारी गली में, वो 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 करते रहते हैं, पूरा दिन चोरी होता रहता है। और देखो हाँ देखो जैसे बंदर ने ना, बंदर कितना बड़ा गिर के जा, कितना बड़ा अमरूद तोड़ के गिर के जा रहे हैं, वैसे ही एक ही डर रहे हैं। देखो एक हीरा बड़ा कितना बड़ा दिख रहा है ना। हाँ अरे एक ही रहा, दो नहीं है। अच्छा हाँ हाँ देखो ऐसे बंदर ये डाल जाते हैं ना। हाँ। ये अपने आप ही हो जाते हैं, एक ही हीरा। ये किस चीज का, एक ही अमरूद का, अमरूद का। ये भी अमरूद का, ये भी अमरूद का, ये अमरूद का है, ये भी अमरूद का ही है। आधा ये छोटी छोटी प्योद कितनी होगा, प्योद नहीं है सारी, ये सभी प्योद अमरूद की है। एक और अमरूद का है ना दोस्तों, जैसे बंदर आ जाते हैं ना तो जाओ है। देखिए छोटे छोटे भी घेर का जा रहे हैं ये। हाँ, कच्चे कच्चे। हाँ कच्चे कच्चे अमरूद, पता नहीं कहाँ से ले आते, ये पके हुए हैं। हाँ पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ये, और यहाँ पे खाते होंगे और घेर गए। और यहाँ पे देखो कितने सारे अमरूद तो उगे हुए हैं, अच्छा ही है, फल मिल जाएंगे हमको भी। तो प्लॉट में लगा रहे हैं। हाँ जो हमारा दूसरे वाला प्लॉट है ना सड़क पे दोस्तों, ये उसमें लगा के आऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी है ना। और यहाँ पे तो देखो ईंट भी छरी है, जैसे वहाँ पे बिल्कुल ही मिट्टी है, तो वहाँ पे ये अच्छे से हो जाएंगे। तो मम्मी ने सभी में पानी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा, इन पेड़ों को तो यहाँ से ले जाने की तैयारी, और बंदर ने दूसरे पेड़ की तैयारी कर दी। यहाँ दूसरे पेड़ रुक जाएंगे। हाँ दूसरे पेड़ रुक जाए, इतने पेड़ लगा दूंगा, इतने पेड़ लगा दूंगा, सोची नहीं होगी, सोची नहीं होगी। वैसे दोस्तों ने चर्च कमाल का ना, सिर्फ एक बार घर में पेड़ लगाओ, किसी भी चीज का पेड़ लगाओ, बैरीज का पेड़ लगाओ आप, हो गई बैरीज जैसे दूध जैसे कुछ भी हो गया, नीचे गिरते हैं, नीचे गिर के चिड़िया मतलब गिलहरी गुलहरी उसको दूर लेके जाती है, दूर जाके वहाँ पे उसकी गुठली फोड़ती है और वहाँ पे भी हो जाता है ना। बस हमको एक पेड़ लगाना है, फिर नेचर अपने आप सब कुछ कर लेगा। एक बात है, जब लगाओ ना तब पेड़ ना होते, लेकिन नेचुरल अपने आप कुछ भी कितकी मारा कितके पेड़ डाल निकले आवा है। हाँ हमको तो सिर्फ पेड़ लगाना ही है सिर्फ, और बाकी का सारा काम नेचर। देख लगाए थे ना, देख हमने यहाँ लगाए थे टिंडे की बेल लगाई थी, नहीं हुई, नहीं हुई। पेठे की बेल लगाई थी, नहीं हुई। एक वहाँ पर लगाई थी, हाँ दिखाई थी मैंने आपको, टिंडे की बेल लगाई थी यहाँ पे, ये तो यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई, मैंने दोबारा इस पे यहाँ ही रख दी। देखो वैसे तो यहाँ पे कितना ज्यादा ये डंगा ही है ना। अरे मैं साफ करती रहा हूँ, ये दो बूंद गिरते ही साथ बेटा, पानी आते ही साथ बारिश आते ही ये हो जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया करो। हमारे तो बंदर लगा पेड़, हमारे तो यहाँ पे बंदर ही लगा देते हैं पेड़। और वहाँ पे पेड़ किया लगाऊंगा, और वहाँ पे वो ना प्लॉट थोड़ा एक साइड सा है ना, तो वहाँ पे ज्यादा बंदर उछल कूद नहीं करते, वरना मैं वो थोड़ा अंदर से होता ना सड़क पे, तो वहाँ पे ये अमरूद लग भी नहीं जाते, क्योंकि लग जाते ना तो बंदर छोड़ते ही नहीं, पेड़ पे लटक लटक के बिल्कुल तोड़ ही देते पेड़ को। और दोस्तों अभी मम्मी कर रही है हरे साग की कटिंग, तो मम्मी कल खेतों से लेके आई थी, और अभी सर्दी आ गई ना दोस्तों,
तो अभी जल्दी जल्दी हरा साग बनेगा हमारे घर में, क्योंकि सर्दियों में ना हरा साग पापा ने बहुत पसंद है। हाँ, पापा को ना सर्दियों में हरा साग बहुत ज्यादा पसंद है। और देखो, जब हम स्कूल में गए हुए थे ना, जब लेके आई थी मम्मी ये बथवा और क्या कैम में सरसों, बथवा और सरसों लेके आई थी। और अभी कारपेंटर वाले भैया तो चले गए हैं अपने घर पे वापस काम करके, और अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही काम हुआ है। जब पूरा काम हो जाएगा ना, जब मैं आपको अलमारी अपनी दिखाऊंगा कंप्लीट हुई हुई। वैसे भैया ने ना अभी 15 दिन का टाइम दिया है, लेकिन मुझे पता है 15 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जितना ही टाइम देते हैं ना भैया, उससे 1 या 2 दिन तो ऊपर लगेगा। पर देखते हैं जो भी होगा कितने दिन में कंप्लीट होगा काम, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तो भैया वापस चले गए हैं, क्योंकि अभी 7:16 हो गई और सर्दियों में रात भी जल्दी हो जाती है ना। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको फाइनल कॉम्बिनेशन से तो जो मैंने सनमाइका मंगाई है ना वो कैसी है। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन जो सनमाइका थी ना वो भी है और एक दूसरा कलर भी है, तो दो सनमाइका है, तो आपके लिए सरप्राइज होने वाला है जब कंप्लीट हो जाएगी ना। जब हाँ पता नहीं, ज्यादा दिन लगाता होगा मम्मी, 15 दिन ना, जल्दी कर दे जल्दी, और बहुत जल्दी कर दे। हाँ सर, पिछली बार यहाँ यार हमारी चट्टी थी इस कमरे की और ऊपर की बनी थी, जब कितने दिन लगे थे, महीना ही नहीं, पागल लगे, हफ्ते में कंप्लीट कर दी थी, हफ्ते में पूरी अलमारी कंप्लीट, ऊपर की नीचे की दोनों। मुझे तो याद ही नहीं है। तो अब भैया ने 15 दिन का टाइम लिया है, तो पहले हो गया 15 दिन से बाद में, उसकी लेबर चली जा बेटा। हाँ सही, उसकी लेबर मिल जाए तो जल्दी हो जाए, और उसकी लेबर अपना काम पे लग रही थी, काम पे क्योंकि 3 जगह काम लगा रखे, 3 जगह काम कर रहे और एक तरह होता था, एक बोर की तरह बताओ था, कितने बताओ था, तीसरा पे यही अपने आप ही वो खुद ही ठेकेदार है। तो देखते हैं भैया ने 15 दिन का टाइम लिया है, मम्मी तो कह रही है 15 दिन से जल्दी कर देगा, तो पता नहीं अब कितने दिनों में होगा। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, और मैं अभी नहा धो के हो गया हूँ एकदम से रेडी। और देखो आज हमने ना अपना मंदिर अपने वाले कमरे में रख लिया, क्योंकि अभी स्टोर में काम हो रहा था ना लकड़ी का, तो इसलिए ये मंदिर ना यहाँ पे रख लिया। और मम्मी की यहाँ पे वो थी ना सिलाई वाली मशीन, वो रही, और स्टोर का एक आधा सामान जैसे कि ये और वैसे ही कपड़े से छोटे छोटे ये यहाँ पे रख दिए। और अभी नेक्स्ट डे व्लॉग भी वो स्टार्ट करना मुझे, तो आज का व्लॉग में एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।